पिछले महीने आए चक्रवाती तूफान फैलिन के असर से अभी लोग उबर भी नहीं पाए हैं कि आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में एक और चक्रवाती तूफान हेलेन की आशंका ने लोगों को फिर से चिंतित कर दिया है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात हेलेन के आज रात कावेली के निकट दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों से टकराने की आशंका है। इसके मद्देनजर बापेला और रिपेली समेत 6 तटीय तहसीलों में अलर्ट जारी किया गया है। करीब 300 से 400 किलोमीटर के भौगोलिक इलाके में फैला हेलेन पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके नेल्लोर और मछलीपट्टनम को शुक्रवार की सुबह पार करेगा। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, प्रकाशम, गुंटूर और कृष्णा जिलों में तूफान के गुजरने के समय पानी भरने की आशंका है। इस दौरान हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। साइक्लोनिक स्टॉर्म ओवर वेस्टर्न अबाउट 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कावली एंड 330 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ मछलीपट्टनम and it further intensify a cyclone storm, a severe cyclone storm during next 24 hours and it will move west-northwest direction and cross between Nellore and Machilipatnam near to Ongole. विशाखापट्टनम में चक्रवाती तूफान चेतावनी केंद्र के जरिए हेलेन की गति और दिशा के बारे में निगरानी की जा रही है। तूफान के मद्देनजर मछुआरों को तटों से दूर रहने को कहा गया है। इसके प्रभाव से तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। फिशरमैन आर एडवाइज्ड नॉट टू वेंचर इनटू सी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सिस्टम रेनफॉल वुड अकर एट मोस्ट प्लेसेस हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वुड अकर एट मोस्ट प्लेसेस ओवर साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश। हालांकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि तूफान हेलेन का वेग पिछले महीने ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आए तूफान फैलिन से बहुत कम होगा। हालांकि तमाम एजेंसियां अलर्ट पर हैं और स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। नेल्लोर, प्रकाशम, गुंटूर और कृष्णा जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर तैनाती के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 16 टीमों को तैयार रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।